वो 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस 2023 के लिए कमर कर चुकी है। उसके लिए अपने कुछ प्लेयर्स को रिटेन भी किया है, कुछ को रिलीज भी किया है। तो 16 ऐसे प्लेयर हैं बेहतरीन जिनको मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया। तो 23 दिसंबर को फिर से एक आईपीएल का मिनी ऑक्शन होने जा रहा है। तो उस टीम से किरण पोलार्ड ने संन्यास ले लिया है मुंबई इंडियंस से, उनको मुंबई ने पूरा सम्मान देते हुए हेड कोच बनाया है। और जो चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुंबई इंडियंस की अगर जहां तक रोहित शर्मा की बात करी जाए तो वो इस टीम के अब भी कैप्टन बरकरार हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का और थोड़ा सा चोट है, उसके बाद वापसी वो जरूर करने वाले हैं। ईशान किशन से वर्तमान टाइम में अगर कहा जाए तो सबसे धाकड़ विश्व क्रिकेट के तूफानी बल्लेबाज, उनके कद का कोई अभी बल्लेबाज दिखाई नहीं देता। तो वहीं पर बन डाउन तिलक वर्मा भारतीय मुंबई इंडियंस टीम के लिए तैयार हैं खेलने के लिए, उनको रिटेन किया है। सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 का, जिसे उपनाम से भी ये पुकारा जाता है कि डिविलियर्स से बेहतर भी स्ट्रोक खेलने में माहिर है। तो डिविलियर्स के लड़के डी वाल्ड प्रेविस बिल्कुल आग उगलने के लिए वो भी तैयार हैं किसी भी वर्ल्ड कप। वहीं पर अगर टिम डेविड की बात करी जाए तो उन्होंने भी मुंबई में जो लास्ट आईपीएल हुआ था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जो प्राचार्य के पूरे उसके बाद वापसी कर रहे हैं, एक बड़ी चोट के बाद पिछला सीजन बिल्कुल उनका जीरो गया था, लेकिन मुंबई वर्ग का। वहीं पर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ऑलराउंडर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में हाल ही में शतक बनाया है। तो वहीं पर आरसीबी से जेसन बैरनड्रॉप को मुंबई ने अपनी टीम में लिया है, और जसप्रीत बुमराह चोट के बाद वापसी करने वाले हैं, वो भी मुंबई की टीम में लगातार खेलते हुए इस 2023 के आईपीएल में नजर आएंगे। तो वहीं पर कुमार कार्तिक एक युवा गेंदबाज तैयार है। रमनदीप सिंह फिर से मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे, और विकेट कीपर बल्लेबाज स्टब भी मुंबई इंडियंस के लिए सेवाएं देने वाले हैं। वहीं पर आकाश भी खेलते नजर आएंगे, और ऋतिक शोकन बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, वो भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पर आकाश सिंह भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा जो 23 तारीख को क्रिकेट का मिनी ऑक्शन होने वाला है, उसमें मुंबई किन किन प्लेयर को अपनी पाली में करने में कामयाब होता है। मुंबई को अभी 7 खिलाड़ियों की आवश्यकता है जिसे अपनी टीम में करना है, और उनके पास 20 करोड़ 45 लाख रुपया अब भी उनकी पॉकेट में है। इससे ऊपर आप मनी को स्पेंड नहीं कर सकते, इसी में आपको अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को लेना है। तो दिलचस्प होने वाला है कि मुंबई को एक ऑलराउंडर की कमी है और एक बेहतरीन स्पिनर की तलाश में है मुंबई, उसे और कोई भारतीय स्पिनर वो होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं मिनी ऑप्शन।